हेलो गाइस, दिस इज़ अनुराग झा एंड यू आर वाचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं वो है आपके 12th एग्जाम के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदी के व्याकरण पोर्शन से, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके विशेषण चैप्टर से बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए विशेषण क्या होता है। तो विशेषण देखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामी विशेषण। तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, तो वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाए उसको कहते हैं गुणवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे वह एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, लड़का का विशेषता है, तो अच्छा यहाँ पे हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कर रहा है या उसकी मात्रा का बोध कर रहा है उसको क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 किलो चावल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसा इसको संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो वैसा विशेषण जो संख्या का बोध कराए या जिससे संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 लड़के। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सर्वनामी विशेषण। तो वैसा सर्वनाम जो विशेषण का काम करे उसे क्या कहते हैं, सर्वनामी विशेषण। सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने पीछे डिटेल से पढ़ा है, तो वो वीडियो आपको ऊपर लिंक में आ रहा होगा या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और पिछले जितने भी वीडियोस बने हैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों एक और आधार पर बांटा जाता है कि शब्द आगे प्रयोग हो रहा है या पीछे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इस आधार पर भी 2 भागों में विशेषण को बांटा जाता है, कौन कौन से, विधेय और विशेष्य। तो यहाँ पे देखिए विशेष्य क्या होता है, तो विशेष वैसा होता है जो सर्वनाम से पहले आता है। ठीक है, और जो सर्वनाम के बाद आता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका लोहा शब्द का विश्लेषण क्या होगा। तो लोहा शब्द का विश्लेषण देखिए यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है लोहा शब्द का, तो लोहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा। ठीक है, तो काला एक विशेषण है, इसे संज्ञा शब्द क्या बन सकता है, तो कालीमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कई लोग आए थे इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है, तो यहाँ पे जो है अनिश्चित वाचक संज्ञा का। ठीक है, यहाँ सर्वनामी विशेषण का प्रकार हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकृति जो है संज्ञा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 जो है गुणवाचक विशेषण है, 50 रुपये हो गए। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखिए वह धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में, धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वह बहुत घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो घोड़ा यहाँ बहुत शब्द पूछ रहा है, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिव शब्द से क्या से बना विशेषण बताइए, तो शिवत्व क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है गोल घड़ी अच्छी लगती है इस वाक्य में, गोल क्या है, तो गोल एक प्रकार का विशेषण हो गया, गुणवाचक संज्ञा विशेषण। उसके देखिए नेक्स्ट है आपका इनमें से विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका पुरुषवाचक जो है विशेषण नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है ऐसा आदमी नहीं देखा मैं, ऐसा शब्द क्या है, तो ऐसा शब्द सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हार्दिक शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो हार्दिक शब्द जो है विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है बदायु से विशेषण बनाइए। ठीक है, तो बदायु से जो विशेषण बनेगा वो क्या हो जाएगा, बदायुनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका वह अच्छा आदमी नहीं है मैं, वह शब्द क्या है, तो यहाँ पे जो है विशेषण हो जाएगा वह शब्द। ठीक है, कौन सा विशेषण होगा, विषय या विधेय या विशेष, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपका शब्द सही हुआ तो मैं पर्सनली आपके कमेंट को लाइक करूँगा। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो श्यामल शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है इच्छा से
ऐसा शब्द बनाइए जिससे एक प्रत्यय का प्रयोग हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐच्छिक, दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर यकीन कीजिए ये आपके बहुत काम आने वाली है। निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं। विशेषण का प्रयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण का प्रयोग होता है तो विशेषण का प्रयोग कब होता है? उपर्युक्त दोनों यानी कि विशेष्य के पहले और विशेष्य के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, विशेषण शब्द के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण शब्द के मैंने अभी बताया चार भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, माफ कीजिए, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो विशेषण जो है आपका किस शब्द का विशेषता बताता है यहाँ पे? तो आपका हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण, अभी मैंने बताया परिभाषा में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विधेय विशेषण क्या होता है? तो विधेय विशेषण आपको मैंने बताया कि विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष्य के बाद जो लगता है उसको क्या कहते हैं? विधेय विशेष्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट जो है आज का, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।